2021 में ठेवना भर पानी जम गया था, जिसमें मेन महिला लोग को निकलने में बहुत दिक्कत हुआ बाहर आने में। मेन यही है, मेरा मेन मकसद यही है, इसके निकास के लिए कुछ करे, सरकार हमको मौका दिया है, इसलिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले वर्ष लालगंज में जल जमाव की त्रासदी का असर इस वर्ष होने वाले नगर परिषद के चुनाव में सीधे देखने को मिल रहा है। जल जमाव की समस्या को भले ही लोग भूल गए हों, मगर महिलाएं इस त्रासदी को भुलाए नहीं भूल पा रही हैं। यकीन नहीं होता तो इन्हें देखिए। ये है नगर परिषद वार्ड संख्या 15 की पार्षद प्रत्याशी अजय जायसवाल की पत्नी प्रीति कुमारी। इनका मानना है कि नेताओं के वादों की हकीकत का सामना तब करना पड़ा जब लालगंज में जल जमाव हुआ। खासकर महिलाओं के लिए रहना सहना आना जाना सब दुश्वार हो गया। शहर का कई परिवार महीनों बेघर हो चुके थे। उनका कहना है कि सरकार ने इस वार्ड को महिलाओं के लिए आरक्षित कर उन्हें समाज सेवा का मौका दिया है और इसी उद्देश्य से वे चुनाव मैदान में उतरी हैं। तो आइए जानते हैं उनके चुनावी एजेंडे के बारे में। किस वार्ड से और किस पद के लिए आपने नॉमिनेशन किया? वार्ड संख्या 15 और वार्ड पार्षद पद के लिए नॉमिनेशन किया। इससे पहले कोई राजनीतिक आपकी पकड़ रही है? कभी कोई पद पे जीते हैं, हारे हैं, कभी लड़े हैं? जी नहीं, पहला अनुभव है। पहली बार मैं चुनाव लड़ने जा रही हूँ, इस मैदान में उतरी हूँ और सरकार ने मुझे महिला को चुना है इस पद के लिए, इसलिए मैंने सोचा कि इसका मौका उठाऊं और जनता की सेवा में अपना सहयोग प्रदान करूं। किस तरह की सेवा भाव लेके आ रही है मैदान में, क्या कुछ सेवा करेंगे? मैंने कुछ समस्याएं बताइए अपनी। समस्या जैसे कि हमारे वार्ड में ही है, वार्ड संख्या 15 में ही, हमारे घर के पास ही जल जमाव की मेन मेरा समस्या है कि पिछले वर्ष 2021 में ठेवना भर पानी जम गया था, जिसमें मेन महिला लोग को निकलने में बहुत दिक्कत हुआ बाहर आने में। मेन यही है, मेरा मेन मकसद यही है, इसके निकास के लिए कुछ करे, सरकार हमको मौका दिया है, इसलिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। लोग कहते तो जरूर हैं कि हम सेवा भाव से आ रहे हैं, काम करेंगे, तमाम वादे करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लोग इसको धन कुबेर समझ के निकल लेते हैं, काम हो नहीं पाता है। इसीलिए तो मैं इस मैदान में आई हूँ, मुझे तो पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं जनता की सेवा करना चाहती हूँ और सरकार ने महिला को मौका दिया है मुझे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि गरीब जनता की सेवा करूँ, इसी उद्देश्य से मैं मैदान में आई हूँ। एक प्रत्याशी, जैसे महिला प्रत्याशी जहाँ भी रिजर्व सीट है महिला के लिए, आमतौर पर लड़ती तो महिला जरूर है, लेकिन आगे चल के उनके जेंट्स काम करना शुरू कर देते हैं, वो अपने हाथ में सारा काम ले लेते हैं, महिला केवल रबर स्टाम्प बन के रह जाती है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ, इसी उद्देश्य भावना से आई हूँ। और मैं एक होता है ना कि मतलब बड़ी एज भी हो गया है, 40 से 40, तो मैं फ्री हूँ, इसलिए सोची कि जनता की सेवा कर सकती हूँ। इसमें परिवार का हस्तक्षेप नहीं रहेगा? अगर आप जीत जाती हैं, काम करने का मौका मिलता है, तो आपके हस्बैंड, आपके ससुर जी, सब का नहीं ना? नहीं, किसी का हस्तक्षेप नहीं। जीत का आशा कैसे कर रखी हैं? क्योंकि लोग कहीं ना कहीं इसको जातिवाद से जोड़ते हैं कि हमारा इतना जात का वोट है, हमारा इतना संप्रदाय का वोट है। आप किस बेस पे जीत की आशा कर रही हैं? जनता की सेवा करने आई हूँ और मैं जात पात के विरोध खिलाफ हूँ, और मैं जात पात को नहीं मानती, जो करते हैं वो करे, मैं तो मैं जनता के जात पात में विश्वास नहीं रखती हूँ। लेकिन आम तौर पे तो लोग जात की बात करते हैं कि हमारा वोटर इतना है, इतना जात हमारा वोटर है, इतना संप्रदाय हमारा वोटर है, उसको बेस मानते हैं। जो करते हैं उन्हें करने दीजिए, मुझे तो इसमें कोई रुचि नहीं है, मैं अपना जात पात को लेती ही नहीं, मैं जनता के सेवा के उद्देश्य इस मैदान में उतरी हूँ, यही मेरा मेन मोटिवेट है कि जो गरीब लघु उद्योग है जनता लोग का, उसकी मदद करूं, और जो गरीब निवास जिसको ज़रूरत है उसकी मदद करूं, यही सब है। और जो नाला जगह जगह जाम पड़े हुए हैं, कहते तो है कि साफ हो गया है, लेकिन साफ होता नहीं है, वही सब मतलब यही सब करवाना है हमको, इसीलिए मैदान में आई हूँ चुनावी क्षेत्र में। सड़क उड़क है जगह जगह, टूटे फूटे गड्ढे, उसको भी मरम्मत कराओ, बस यही सब उद्देश्य आई हूँ। कितना भरोसा है अपनी जीत पे? है तो कॉन्फिडेंस तो है कि मैं करके दिखाऊंगी, जीत पक्की होगी। हाँ।